क्या हुआ जब नारद जी को देना पड़ा दो शिवगणों को श्राप? कौन सा था वो श्राप? चलिए आज की इस खास वीडियो में यही जानते हैं। आप देख रहे हैं महादेव दर्शन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों एक बार की बात है, देव ऋषि नारद को घमंड हो गया कि कामदेव भी उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य को भंग नहीं कर सकते। नारद जी ने यह बात शिव जी को बताई। भगवान शंकर को इस बात का अच्छे से ज्ञात हो गया कि देव ऋषि नारद अभिमानित हो गए हैं, यानी कि उन्हें अभिमान हो गया है। उनके अहंकार भरे शब्दों को सुनने के बाद भोलेनाथ ने देव ऋषि नारद से कहा कि आप कृपा भगवान श्री हरि के समक्ष अपना अभिमान इस प्रकार से प्रदर्शित मत करना। इतना सुनकर नारद जी वहां से शिव जी की आज्ञा लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। परंतु शिव जी के समझाने के बाद भी उन्होंने भगवान श्री हरि को अपना पूरा प्रसंग सुना दिया, जिससे साफ पता चल रहा था कि नारद भगवान विष्णु के सामने भी अपना घमंड प्रदर्शित कर रहे हैं। उनके अहंकार को देखते हुए श्री हरि ने सोचा कि इनके घमंड के लक्षण होना कोई अच्छी बात नहीं, इसीलिए उनके अभिमान को और अहम को उन्हें ही तोड़ना होगा। एक बार जब नारद जी कहीं बाहर जा रहे थे तो उस रास्ते में एक बहुत ही सुंदर नगर दिखाई दिया, जहाँ किसी राजकुमारी का स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा था। नारद भी वहाँ पहुँच गए और राजकुमारी को देखते ही उस पर मोहित हो गए। असल में यह सारी भगवान श्री हरि की ही माया थी। राजकुमारी का रूप और सौंदर्य नारद मुनि के तप को भंग कर चुका था, इस कारण उन्होंने राजकुमारी के स्वयंवर में हिस्सा लेने का मन बना लिया। नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए और कहा कि आप अपना सुंदर रूप मुझे दे दीजिए, जिससे कि राजकुमारी स्वयंवर मुझे ही पति के रूप में चुने। भगवान श्री हरि ने ऐसा ही किया, परंतु जब नारद मुनि स्वयंवर में गए तो उनका मुख वानर के समान हो गया। इस स्वयंवर में दो भगवान शिव के गण भी थे, जो ब्राह्मण का वेश बनाकर ये सब देख रहे थे। जैसे ही राजकुमारी स्वयंवर में आई तो बंदर के मुख वाले नारद जी को देखकर क्रोधित हो गई। उसी समय भगवान विष्णु एक राजा के रूप में वहां आए। सुंदर रूप देखकर राजकुमारी ने उन्हें अपने पति के रूप में चुन लिया। ये देखकर शिवगण नारद जी पर हंसी उड़ाने लगे और कहने लगे, अपना मुख दर्पण में देखिए, फिर राजकुमारी से विवाह का सोचना। जब नारद ने अपना चेहरा वानर के समान पाया तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। क्रोधित होकर नारद मुनि ने शिव गणों को राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। शिव गणों के क्षमा मांगने के बाद नारद मुनि ने उन्हें कहा, तुम दोनों की राक्षस योनि में मृत्यु स्वयं भगवान विष्णु के हाथों होगी, जिसके बाद तुम्हें मोक्ष मिलेगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार दोस्तों इन्हीं दोनों शिवगणों ने रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया था। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।